Hey guys, welcome back to new blog. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:36 एंड भाई वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. जो भी भाई अपनी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो मोस्टली लोग पहली बार ही देख रहे होंगे क्योंकि भाई अपना नया चैनल है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आना क्योंकि भाई अभी नया चैनल है अपना और इसके लिए ना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड भाई बाकी आप लोग ना खुद ही समझदार हो तो प्लीज़ कर लेना यार सब्सक्राइब. तो गाइस अभी का सीन ये है कि मुझे जाना था आज नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे अपने देसी स्टोर है, वहाँ से कुछ ग्रॉसरी आइटम लेके आना था. बट आज भाई मैं दिन में बाहर निकला ही नहीं, बिल्कुल ही मूड नहीं किया मतलब आने का. तो यहीं पे डाउनटाउन में एक स्टोर है मतलब सुपर स्टोर, और वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से कुछ जो एमरजेंसी अपने को एक दो आइटम चाहिए वो लेके आते हैं और साथ में आपको भी दिखा दें कैनेडियन सुपर स्टोर. गाइस ये घर देखो, यहाँ पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार. एंड ये देखो, तो एक्चुअली अपने को ना उधर से जाना था वैसे पीछे से, लेकिन अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया. मैंने सोचा यहीं से नीचे चलते हैं बीच से ही. एंड ये देखो लोग मतलब घर के आगे भाई गार्डन यहाँ पे जरूर रखते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं मतलब ये देख रहे हो. सो गाइस ये जो देख रहे हो ना, ये है आपका 17 एवेन्यू एंड 5 स्ट्रीट, और इससे जो आगे वाला स्ट्रीट है वो 4 स्ट्रीट. तो जो सुपर स्टोर है ना वो है आपका 6 एवेन्यू और 1st स्ट्रीट पे. तो भाई टाइम हो रहा भाई अभी 5:25 और मैं हूँ अभी 8 एवेन्यू 1st स्ट्रीट पे. और सामने का व्यू चेक करो एक बार भाई, ये देखो गाइस कितना खूबसूरत बना रखा है यहाँ पे. एक्चुअली विंटर के टाइम में ना यहाँ पे स्केटबोर्ड होती है, इसके अंदर ना पूरी स्नो जमी रहती है. बट अभी यहाँ पे वाटर फाउंटेन लगा दिए, समर टाइम आ गया, समर में स्नो तो वही मेल्ट हो जाती है, इसलिए देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार. और स्टोर अभी जो है ना अपना जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वो है 6 एवेन्यू पे और ये है 8 एवेन्यू. एंड गाइस काफ़ी खूबसूरत बना रखा है मतलब देख रहे हो ना ये ऊपर लाइटिंग वगैरह रात के टाइम में काफ़ी सही लगता है. ये देख रहे हो गाइस ये लाइट भाई काफ़ी सही लगती है रात के टाइम में. तो गाइस ये जो सामने आप देख रहे हो ना ये है भाई सिटी हॉल मेट्रो स्टेशन. ये देख रहे हो सामने से ट्रेन भी आ रही है, सॉरी सी ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पे सिटी हॉल स्टेशन. एंड इसी के बगल वाली जो बिल्डिंग है ये है कैलगरी म्यूनसिपल बिल्डिंग. और ये जो सामने देख रहे हो ना आप यहाँ पे ये खंबे के पीछे ट्रेन के जस्ट ऊपर ये है बॉब वैली कॉलेज. तो ये कैलगरी का एक ही कॉलेज है, यहाँ पे कैलगरी में जो भी बंदे आते हैं ना पढ़ने इंडिया से तो वो मोस्टली इसी कॉलेज में होते हैं मतलब बॉब वैली कॉलेज. सो गाइस जब मैं कॉलेज के ना फ्रंट साइड से हूँ, पहले मैंने आपको बिल्डिंग बैक साइड से दिखाई थी, तो ये आप सामने देख सकते हो लिखा हुआ है साउथ कैंपस एंड ये सामने लिखा हुआ है नॉर्थ कैंपस. तो बीच में रोड है और दोनों साइड मतलब बिल्डिंग है कॉलेज की ये, और इसी साइड में सामने है रियल कैनेडियन स्टोर. तो अभी अपने को इसी स्टोर में जाने का भाई. तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई स्टोर के अंदर, और ये जो है ना ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे. सो ये सारा फ्रूट सेक्शन है गाइस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. आई थिंक इस साइड तो सारे फ्रूट ही हैं, वेजिटेबल्स वाला सेक्शन आगे होगा. ये यहाँ तक फ्रूट सेक्शन है, इसके बाद आ जाते हैं आपके वेजिटेबल्स. तो ये गाइस मिनी कुकुम्बर, इसका प्राइस है भाई $4 एक पैकेट का. सो गाइस कैरेट का रेट देख लो, ये है 5 LV $6. ये यहाँ पे एग पड़े हुए हैं गाइस 9.49 30 पीस, मतलब एक क्रेट में 30 पीस ही होते हैं. तो ये है आपकी मतलब टैक्स लगा के $10 की पड़ जाएगी, ये $10 यानी 10 × 600 यानी 600 रुपये की ट्रे है भाई ये 30 पीस अंडों की. तो इंडिया में कितने की वो भी बता देना. ये वाला सेक्शन आ गया गाइस बेकरी का. सो गाइस यहाँ पे रेडीमेड नान भी मिलते हैं भाई, नान कुलचे देख रहे हो आप, ये 449 का, 329 का, ये 329 गाइस 2 पीस ऑनली. तो गाइस यहाँ पे ना ऑयल के रेट आपको दिखाता हूँ. ये देखो ये सनफ्लावर का ऑयल है 19.99 यानी $20 का आप लगा लो, 3 लीटर का गैलन है ये. सो गाइस अभी टाइम हो रहा है भाई 7:30, स्टोर से बाहर निकल रहा हूँ मैं अभी, अपनी शॉपिंग डन हो चुकी है. तीन ही आइटम लिए मैंने एक्चुअली, तो तीन आइटम टोटल मेरे को पड़े भाई $13.25 विथ टैक्स. तो $13 गाइस समथिंग होते हैं इंडियन मनी में, से आप लगा सकते हो भाई कि यहाँ पे मतलब कितनी महंगाई है. और अभी चलते हैं गाइस इसी के बैक साइड में, पीछे वो रिवर है उस साइड में, तो यहाँ से तो गेट यहाँ से रास्ता बंद है, पल्ली साइड जाना पड़ेगा आपको रोड क्रॉस करके. तो भाई अभी ना मैं रिवर के पास पहुँच चुका हूँ
एंड यहाँ पे मतलब एनी साइड से मतलब गाड़ी आने के चांसेस है भाई, देख के जाना पड़ेगा। एंड आज वेदर ना काफ़ी सही है, मतलब सुबह से ही ज़्यादा धूप नहीं थी आज। तो यहाँ पे देखो गाइस ये फोटो वोटो खिंचवा रहे लोग एंड साइकिलिंग वगैरह स्कूटर राइडिंग। हाय सो गाइस, एक्चुअली ये वही वाली रिवर है जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना ऊपर, मतलब आपका 14 स्ट्रीट से, तो वो उधर से ही आ रही है ये वाली रिवर, ये देख सकते हो। और इसके सामने भाई ये पहली साइड अपार्टमेंट है, वो ये सामने पता नहीं क्या है भाई, ये टेंपल जैसा लग। तो अभी थोड़ा सा ना ऊपर की साइड चलते हैं एंड वहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारे, और उधर से ही मेरे को बस भी लेनी है फिर। टाइम हो गया भाई 8:35 एंड अब निकलते हैं घर के लिए वापस। सो गाइस मेरा प्लान था आज उधर सामने जाने का ऊपर, और वहाँ से मैं देखना चाहता था भाई नीचे डाउनटाउन का व्यू कैसा आता है, बट यार अभी टाइम हो गया मतलब, तो ये बस चलेगी मेरी, एक तो चलेगी भाई 2 नंबर, तो अभी देखते हैं दूसरी कौन सी बस है। तो इस साइड में सामने फिर कभी चलेंगे। तो बाकी अभी निकलते हैं घर के लिए, और इसी के साथ में आज का ब्लॉग होता है समाप्त। बाकी मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय।